हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं क्या दोस्तों फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो लॉगिन करते समय आपके साथ इस तरीके का प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो और दोबारा से फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो को आप कैसे ओपन कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आपके फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दी गई इस बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। तो फ्रेंड्स, उनके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे जो फेसबुक में फेसबुक पेज ये लॉगिन है, मतलब ये फेसबुक अकाउंट फेसबुक पेज मेरा खुला हुआ है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फेसबुक में आपको अपने फेसबुक जो आईडी है अपने आईडी को खोल के रखना है। आपको अपने फेसबुक में आईडी को खोल के रखना है, नहीं तो दोस्तों अगर आप फेसबुक पेज से जाके क्रिएटर फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो को लॉगिन कीजिएगा तो वहां से आपका ओपन नहीं होगा। तो देख सकते हैं मैंने अपने फेसबुक में फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लिया हूं। उनके बाद आप सभी को क्या करना है, फेसबुक ऐप के ऊपर अपनी उंगली को प्रेस करके रखिएगा तो यहाँ आपको ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ आपको फोर स्टॉप के ऊपर क्लिक करके यहाँ आपको फोर स्टॉप की क्लिक कर देना है। उनके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों स्टोरेज यूजेस, इनके ऊपर आप सभी को क्लिक करके क्लियर डाटा और यहां आपको कर देना है। क्लियर डाटा करने के बाद अब आप सभी को इस तरीके से बैक चले आना है और बैक आने के बाद दोस्तों मैं अभी दोबारा मैं अपने फोन में फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ऐप को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद इस तरीके का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा आपके कंटिन्यू करने के लिए आपका जो फेसबुक आईडी है वो आपको दिख रहा होगा, तो उनके लिए यहां पर आपको कंटिन्यू फेसबुक आपका जो आईडी का नाम है वो आपको दिख जाएगा, कंटिन्यू कीजिएगा तो यहां पर आपका जो फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो है ये आपका लॉगिन हो जाता है। यहां आपका जो पेज होगा वो पेज का नाम भी आ जाएगा। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा मैं पेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो फाइनली अभी दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा जो हमारा फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दोबारा से हमारा जो है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो ये ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो का प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।